मैं माजिद, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। आज वो नाइट कर्फ्यू का आखिरी दिन है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज विधानसभा के पास एक मीटिंग चल रही है, इस नाइट कर्फ्यू को एक्सटेंड करना है या लॉकडाउन करना है, क्योंकि दिल्ली, मुंबई और राजस्थान जैसे शहरों में, कई शहरों में लॉकडाउन हो चुका है एक एक वीक का। तो इसी के चलते यहाँ पर क्या फैसला आएगा, इसको देखना है। अभी मीटिंग शुरू होने ही वाली है कि बेंगलुरु में बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कि अब जैसे जानते हैं कि जैसे मॉल को बंद करना, कई सारे फैसलों का आना अभी बाकी है। कई दिन से लगातार हम दिखा रहे हैं आपको कि मॉल्स बंद होंगे, थिएटर्स बंद होंगे, ज़्यादा क्राउड वाला जो भी एरिया है उसको बंद करने का गवर्नमेंट की तरफ से फैसला आने वाला है। आप जैसे कि जानते हैं, टीवी में बहुत सारे लोग ऐसे दिखा रहे हैं कि एम्बुलेंस की क्यों खड़ी हुई है, लोग इतनी तादाद में मर रहे हैं, इसकी वजह कोविड का जो स्प्रेड फैल रहा है, वो स्प्रेड फैलने से बहुत सारे मौतें हो रही है। लेकिन आप लोग सेफ़ रहिए, आप अपने घर में रहिए, सेफ़ रहिए। बस हमारा आपकी आवाज़ की टीम का यही गुजारिश है कि आप लोग घर में सेफ़ रहिए, क्योंकि कोविड-19 के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं बेंगलुरु में। अभी क्या फ़ैसला आने वाला है, हम आपको जब फैसला आ जाएगा उसके बारे में सुनाएंगे। लेकिन आप पैनिक मत होइए कि अभी फैसला इस तरह से आ गया, उस तरह से आ गया है। हम जो भी अपडेट है आपको देते रहेंगे। MLA, MLC सभी बैठ के, मिनिस्टर सभी बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं। उसका नतीजा क्या आएगा हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। आप बने रहिए आपकी आवाज़ के साथ। मैं माजिद मुनावर।